सामने तस्वीरां तुसीं देख सकते हो 24 घंटे दवाइयां दी फ्री सेवा किसान मजदूर एकता लैबोरेटरी जिहड़ी खोल दित्ती गई है ते बिल्कुल इधर तुसीं देख सकते हो किसान मजदूर एकता हस्पताल। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ओपीडी तो अलावा इनडोर पेशेंट जिद पेशेंट दाखिल भी किया जाता है, एमरजेंसी पेशेंट नो भी फैसिलिटी 8 बैड की अवेलेबल है। इतने असी जनरल मेडिसन तो अलावा एमरजेंसी मेडिसन भी दे रहे हैं। सुरखाब टीवी देख रहे हो, मैं अमरप्रीत सिंह गुजरवाल। किसान मोर्चे ते डटे हुए ने ते हैरानी इस गल दी है भी हर तरह की सुविधा दिती जा रही है, लोड़वंदां दी जिथे मदद की जा रही है उत्थे नाल दी नाल तुहानूं होस्पिटल दे दर्शन भी करवाउने आ। सामने तस्वीरां तुसीं देख सकते हो, 24 घंटे दवाइयां दी फ्री सेवा किसान मजदूर एकता लैबोरेटरी जिहड़ी खोल दित्ती गई है ते बिल्कुल इधर तुसीं देख सकते हो किसान मजदूर एकता हस्पताल। होस्पिटलां दे नाम भी जिहड़े हैगे ने उह किसानां दे नामां दे उपर, जिवें ट्रालियां दे नां दे उपर सुविधा दित्ती जा रही है, ट्रैक्टरां दे नां दे उपर सुविधा दित्ती जा रही है, इस तरह नाम रखने भी शुरू कर दिते ने। हस्पतालां दे बिल्कुल सामने खड़े हाँ ते सामने तस्वीर देख सकते हो, एंबूलेंस खड़ी है एमरजेंसी दे लई। 24 घंटे इस एंबूलेंस की सुविधा दित्ती जा रही है, 24 घंटे बहुत तकड़ा, बहुत दूर तक ये होस्पिटल बना दिता गया है। बकायदा साफ सफाई का ध्यान भी रखा जाता है ते हरी जाली जिहड़ी है वह भी लगा दी गई है। इतने जोड़ा है आम होस्पिटल नहीं है, ये बिल्कुल सामने तुसी ये बोर्ड के उपर लिखा पढ़ सकते हो, जरूरत पैण ते हेठ लिखे मैर डाक्टर की सलाह नाल टैलीमेडिसन राही इलाज किया जाएगा। जे लोड़ पैंदी है, कोई ज़्यादा औखा मरीज है तो उसनू ये सारिया सुविधा भी नाल ही दित्तियां जाणगियां। सफाई का बहुत खास ध्यान है होस्पिटल दे। आपां अंदर चलते हाँ, दिखाने भी कि सुविधा ने ते नाल गलबात करांगे। बहुत सारे मरीज जिहड़े इत्थे लगातार दवाई लैन भी आ रहे हैं ते वीर जी हुणी साडे नाल ने गलबात करदे आ। वीर जी, होस्पिटल होर अगे वधा दिता गया है, की कारण है भी इन्ना होर अगे वधाउण दी लोड़ पै गई? भाई जी, रश काफ़ी हो जाता है हुण, जिदा पहला नहीं सीगा, चलो भी थोड़े टाइम लई जिदा कैंप लगदे सीगे, हुण संघर्ष लंबा जा रहा तां पुख्ता प्रबंध करन दी जरूरतां सीगियां। सो जिवें मरीज दे नाल भी 3-4 अटेंडेंट हुंदे आ, किसे सट लग जांदी है या किसे दा ओपीडी च टाइम लगता तो बैठने लिए भी प्रबंध किए हुए हैं। सो इतने एक छोटा जा पार्क टाइप ग्रीनरी बनाती है, पक्खा लाता आराम नाल वेट कर लैंदे आ, स्पेस सी साडे कोल असीं यूटीलाइज कर लिया उहनूं। सो इदां ही इधर फार्मेसी दी समावां हैगियां जो कि 24 घंटे है। सो 3-4 दिन हो गए टैलेंट टूलां लवाइयां, मेरी अपनी भी थोड़ी तबीयत बुखार वगैरह सीगा ते खराब हो गई, उस करके थोड़ा बोलन च भी प्रॉब्लम रहिंदी है। सो ये 24 घंटे लगातार इतने 1500 to 2000 बंदा डेली दवाई लैके जाता है। सो साडे कोल एक प्रोफेसर ने दलवीर सिंह जी, वो एक दिन लिए आए थे, सो उन्होंने इन्ना वधिया लग्या वो सेवा, वो अपनी जॉब छड के भी इतने सेवा दे रहे हैं। मैं उन्होंने भी थोड़ी गल करना चाहना। प्रोफेसर दलवीर सिंह जी नाल भी आप गलबात करन दी कोशिश करते हैं, अगे वधदे हैं। एक दिन लिए आए थे तो एक मिनट लिए आप गल करनी है क्योंकि बिजी ने काफ़ी ज़्यादा। वीर जी, तुसीं एक दिन लई पहुंचे सीगे जॉब छड के, कहिंदे वीर जी ने दस्सिया भी फिर दुबारा इत्थे पहुंच गए। हाँ जी, मैं इत्थे सिर्फ किसान संघर्ष मोर्चे दे विच एक लई दिन लई हाजिरी लवाउण आया सी, परंतु जदों मैं डॉक्टर तार सिंह उन्हां दी रहनुमा हेठ चल रहे हस्पताल देखिया, जिहदे विच इन्हां ने ओ पी डी तो अलावा इनडोर पेशेंट जिहदे विच पेशेंट नूं दाखिल भी किया जाता है एमरजेंसी पेशेंट नूं, उह भी फैसिलिटी 8 बैड की अवेलेबल है। इत्थे असीं जनरल मेडिसन तो अलावा एमरजेंसी मेडिसन भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं एक टीचर होने के नाल फार्मासिस्ट भी हाँ, तो मेरा मन किया कि मैं अपनी सेवावां इत्थे जरूर जिन्ना समा वा तुहाडे सदा देवां। तो डॉक्टर अवतार सिंह की रहनमाई हेठ साडे कोल एंबूलेंस भी अवेलेबल है, जिहदे विच सानूं एमरजेंसी केस जे सानूं सोनीपत दिल्ली भेजने पैंदे है वो भी असीं भेजदे हाँ। साडे कोल 4 डॉक्टर की टीम हर वेले अवेलेबल है, जिहड़े कि स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने, MD MBBS MD डॉक्टर ने गे, तो हर तरह का केस वो देख रहे हैं, हर तरह की मेडिसन अवेलेबल है साडे कोल, बहुत ही एमरजेंसी विच साडे कोल एंबूलेंस अवेलेबल है जी। तुसीं देख सकते हो भी एमरजेंसी जिहड़े केस ने वो भी इत्थे देखे जाते हैं, हैंडल किए जाते हैं। होर अगे चलते हैं, 4 डॉक्टर की जिहड़ी टीम है
तो वह भी इतने हर टाइम मौजूद रहती है। आप जोड़े ला के अगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो होस्पिटल दिखा रहे हैं तुहानू। इधर तुसी बिल्कुल सामने पहला तो देखो बकायदा पार्क बनी हुई है, सारे वीर जिहड़े बैठे वो नज़रिए आ रहे हैं, तो छोटी पार्क बनाई है ग्रीनरी का खास करके जिहड़ा प्रबंध किया गया। देखो किस तरह दीआं सुविधावां दित्तीआं जा रही ने। यह आए जी बिल्कुल सामने दीआं तस्वीरां होस्पिटल, ये तुसी होस्पिटल दीआं तस्वीरां देख सकते हो। बकायदा डॉक्टर बैठे ने, एमरजेंसी जदों लोड हुंदी है तो पेशेंट नूं इत्थे दाखिल भी किया जाता, एडमिट किया जाता है बकायदा। तुसी बिल्कुल सामने जिहड़ियां तस्वीरां देख सकते हो, बकायदा बैड लगे हुए नज़री पै रहे हैं, डॉक्टर देख सकते हो तुसी। असी अगे वधदे हां जी, हैरानी इस गल दी है, बिल्कुल थल्ले देखो तुसी तस्वीरां, फर्श चंगी तरह ला दिता गया है, टाइलां लगा दित्तियां गईयां ने, बकायदा जिहड़ा हैगा बैडां दा प्रबंध किया, पेशेंट पए ने, मशीनां पईआं होईआं नज़री पै रहीआं ने। पेशेंट तुसी बिल्कुल सामने देख सकते हो, हर तरह की सुविधा दी जा रही है, बकायदा ट्रीटमेंट किया जाता है, पेशेंट पए ने। तो इन्हां नाल भी थोड़ी गलबात करते हैं। बापू जी की तकलीफ हो गई सी? मेरे ना दर्द होंगी सी, लख तो इतों थल जाती लक तो ही रीढ़ हट तो दर्द होंगी सर जी, नीचे जाती पैरों तक। फिर तुम इतने तुम्हें किने दसिया भी तुम उत्थे जाओ ट्रीटमेंट करवाओ? हाँ पहले पता साल ही पूछा इन्हें डॉक्टर, फिर सेवा करनी सर इतने में चार दिन में फर्क पाया कि काफ़ी ठीक है जी। डेली आके लवाने? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡੇਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ? ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, खास प्रबंध जिहड़ा किया होया, किन्ना सजावट, किन्ना वधिया ढंग दे नाल सफाई का ध्यान रखा जाता होस्पिटल जी? का प्रबंध बहुत ज़्यादा हैगा जी, तो और ट्रीटमेंट भी बैटर है बहुत ज़्यादा जी जी। और अगे वधदे आ, तुसी वेख लो भी इदा डॉक्टर की टीम बकायदा जिहड़ी है इत्थे रहिंदी है, तो बापू जी हुणी भी साढ़े नाल ने, बापू जी नाल गलबात करदे आ। बापू जी की प्रॉब्लम आ गई सी? सांझ जगी हो गई जी। अच्छा जी, हुण किवें हो? सेहतां किवें ने? ठीक है हुण। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं बिगड़ी? बहुत ज़्यादा नहीं। डॉक्टर साहब किवें लगदे ने इत्थे? वधिया ने? बहुत वधिया जी ने हस्पताल बारे कुछ कहना चाहते हो? नहीं बहुत अच्छी गल है, मतलब जिन्हें भी पेशेंट है ठीक ट्रीटमेंट हो रहा है इन्हों का। जरूरी सी ये चीज़, जरूरी सी क्योंकि संघर्ष लम्मा हुंदा जा रहा है, बीमार हर कोई हो सकता है, कुछ भी पता नहीं लगता, जिवें तुसी भी करके बीमारियां भी तो ज़्यादा आनी, बहुत वधिया है कम होया उपराला, वधिया इलाज हो रहा जी। देख लो ये मरीज ने भीर, किसी की कमर दर्द है, किसी नूं बुखार चढ़ गया सी, किसी नूं उल्टियां नहीं सी हटदियां, कोई वीर हर तरह के जिहड़े इत्थे इलाज किए जा रहे ने, तस्वीरां तुहाडे सामने है। असीं तुहानूं वार वार कह रहे हां भी साफ सफाई का खास जिहड़ा ध्यान रख्या जांदा है इस होस्पिटल दे विच। डॉक्टरां दी टीम तुसीं बिल्कुल सामने देख सकदे हो, बकायदा पर्चियां कट के मरीज़ जिहनूं दाखिल करना हुंदा है ते उह मरीज़ नूं अगे दाखिल भी किया जाता है। बहुत सारे मरीज़ इस तरह बैठ के वेट भी करते हैं, सफाई बहुत ज़्यादा है, तो हर तरह की सुविधा दी जा रही है इस हस्पताल दे विच। चर्चा का विषय बनया होया ये हस्पताल इस वेले कुंडली वार्डर के उपर मौजूद हाँ। इस तरह साढ़े नाल जुड़े रहो, आने वाले समय दीआं तस्वीरां, किसान होर की करते हैं, होर वधिया कि सुविधा दे रहे हैं, होर की करना अगे किवें वध रहे हैं, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ।